सावधान, आप हरमाणा पुलिस की पैनी नजर में हो। लॉकडाउन तोड़ने वालों पर हरमाणा पुलिस की पैनी नजर। 464 वाहन जब्त। हरमाणा पुलिस बार बार कर रही है जनता से अपील, फिर भी नहीं मान रहे लोग। फिर पुलिस ने अपनाया यह तरीका। हरमाणा क्षेत्र में लॉकडाउन होने के बाद भी लोग घरों से निकलकर सड़कों पर बेवजह बाइक से घूम रहे हैं। स्वयं की जान को जोखिम में डालने के साथ ही दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। पुलिस की समझाइश और सख्ती का असर नहीं होने के बाद अब लोगों को घरों में रोकने के लिए हरमाणा पुलिस ने नया तरीका अपना लिया। बाइक जब्त कर थाने में खड़ी कराई जा रही है। जरूरत की सामग्री लेने का बहाना बनाकर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर घूम रहे हैं। पुलिस के पूछने पर कोई ठोस वजह भी नहीं रहती। लॉकडाउन का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ अब पुलिस ने ठोस कदम उठाना शुरू कर दिया है। बाइक लेकर सड़क पर दिखे और उसका पुख्ता कारण नहीं दिया तो पुलिस बाइक जब्त कर थाना में खड़ी करा रही है। इसके पीछे का मकसद केवल सभी की सुरक्षा है। हरमाणा थाना पुलिस ने अब तक दुपहिया और चौपहिया 464 वाहन शनिवार को जब्त कर थाने में खड़े किए हैं। जानकारी के अनुसार हरमाणा थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते हरमाणा क्षेत्र में जगह जगह चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस पूछताछ के साथ ही वाहन भी जब्त कर रही है। जबकि ये वाहन उन लोगों के हैं जो बेवजह सड़क पर घूम रहे थे। आगे भी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जब्त किए गए वाहनों का चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया जाएगा। कुछ लोगों की वजह से शहर की पूरी जनता को जोखिम में नहीं डाल सकते। थाने में ही खड़े रहेंगे वाहन। न्यायालय में केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई हो रही है। ऐसे में जब्त किए गए सभी वाहन थाने में ही खड़े रहेंगे। पुलिस सभी वाहनों का चालान बनाकर न्यायालय में पेश करने की बात कह रही है। इस स्थिति में वाहन मालिकों को लंबा इंतजार करना होगा। हरमाणा थाना प्रभारी रमेश सैनी का कहना है, जनता की सुरक्षा सर्वोपरि। आम लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। किसी भी स्थिति में कोरोना वायरस का हरमाणा में प्रवेश रोकना है, इसके लिए हम हर संभव कदम उठा रहे हैं। कुछ लोग बेवजह सड़क पर घूम रहे हैं जिनके वाहन जब्त किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।